हम लोग हैं अपने स्पीति के ट्रिप पे किन्नौर एंड स्पीति एंड राइट नाउ हमने आज ही स्पीति में एंटर किया है. सुमदो जो है वो किन्नौर और स्पीति का बॉर्डर है, लास्ट चेक पोस्ट था, तो वहाँ से अभी हम लोग ने एंटर करा और उसके थोड़ा सा आगे ही आते ही आपका रोड से डाइवर्ट हो जाता है ग्यू विलेज. तो व्हेन वी केम फॉर द लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारा ये वाला जो विलेज का विजिट था ये मिस हुआ था, तो इस बार हमने वैसा इतना ही रखा है कि हम ऑन द वे उतना टाइम लेके चल रहे हैं. तो आपका जो मेन रोड जो काजा की तरफ जा रहा है वहां से आपको ग्यू के लिए कोई 11 किलोमीटर का है आपको अंदर आना पड़ता है. रोड बनी है, बीच में थोड़ा बहुत कच्चा है लेकिन बनी हुई है, मोटरेबल है, गाड़ी आराम से आती है. तो अभी हम ग्यू विलेज में खड़े हैं एंड ग्यू विलेज जो है दैट इज लाइक ऐसे तो सब खूबसूरत गाँव है स्पीति के, लेकिन ग्यू जो है दैट इज फेमस फॉर जो यहाँ पे लामा जी की मम्मी जो रिस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट चल रहा है रिस्टोर किया है उसके लिए. तो अभी हम लोग ने मोनेस्ट्री एंड वो जो आपको पीछे स्थान दिख रहा है वहाँ पे वो प्रिजर्व जो उन्होंने रखा है, तो जो यहाँ पे लोकल थे मतलब उनके पास ही कीज होती हैं, ही इज द केयर टेकर, तो उनसे हमारी काफ़ी बातचीत हुई तो उन्होंने उसके बारे में डिटेल सारा बताया. हमने उसका वीडियो जैसे अंदर का शॉट किया है तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसके इसी वीडियो में आगे शॉट दिखाते हैं कि कैसे. तो जो वो बता रहे थे कि यहाँ पे 1975 में अर्थक्वेक आया था, तो 1975 में अर्थक्वेक आके नीचे मोनेस्ट्री होती थी वहाँ पे, मतलब इनका जो लामा जी की जो मतलब मम्मी जो बॉडी है वो वहाँ पे मतलब कि वो अर्थक्वेक में शायद वैसा आ गई. तो 81 में जब वो कुछ उन्होंने डेब्रिज वगैरह वो साफ किया तो 81 में ये बॉडी जो थी ये उन्हें मिली, तो उसके बाद इन्होंने इनका ये जो स्थान बनाया मतलब वैसा. बट आफ्टर दैट एक जो टीम थी साइंटिस्ट की दे केम फ्रॉम कैलिफोर्निया और उन्होंने आके इस पे बॉडी पे रिसर्च करा, तो देन दे केम टू नो कि वो पूरा साइंटिफिक साइंस है ये, कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं हम कर रहे. तो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करा इससे रेडियो कार्बन डेटिंग से उसका जो एजिंग थी बॉडी की वो पूरा दिखा के कि जो एक, तो उन्होंने हमें उस रिकॉर्ड में पूरा बताया कि जो उनके पास उसके साइंटिफिक जो एक रिजल्ट्स उनके रिसर्च के आए थे कि जो ये लामा जी की जो बॉडी है ये बहुत पुरानी है 1430 एडी की और उसका जो रिजल्ट एक प्रोबेबिलिटी है सही होने की दैट इज 95%. तो फिर हमने अभी अंदर जाके खुद भी देखा कि क्योंकि अब एक लोग क्वेश्चन तो करते हैं कि ये कैसे हो सकता है इतना पुराना, और दूसरी चीज़ जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि इस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है. और अभी जो मैंने खुद अपनी आंखों से जाके अंदर देखा है क्योंकि सुना था, बहुत सारा पढ़ा था, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे थे, बट एक जो क्यूरोसिटी थी वो क्योंकि मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ और अब मैं बता सकती हूँ कि आपको अगर वो इतना पुराने इतना सालों पुराना शरीर है स्टिल यू कैन सी कि उनके बालों सर पे कुछ बाल आपको दिख रहे हैं, उनकी जो एक लेफ्ट आई है उसके आईलैशेज यू कैन सी, तो ये मैं खुद देख के आई हूँ अंदर जाके. और उनके नेल्स का जो एक ग्रोथ है वो भी मतलब उसके बाद जब बॉडी शरीर तो कब का चला गया है पर उसके बाद भी वो नेल्स की जो ग्रोथ हुई है. और दूसरी चीज क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर केमिकल यूज नहीं हुआ तो वो बॉडी कैसे डिकम्पोज नहीं हुई, कैसे खराब नहीं हुई, तो उसका ये रीजन जो इन्होंने बताया कि बिकॉज ही वॉज अ सेंट, वो एक मॉन्ग थे, वो मेडिटेट करते थे सालों से, पुराने एक मेडिटेशन में वो रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने वो एक अपना जो मेडिटेशन के ही प्रोसीजर से दे हैव लाइक एक मेडिटेशन के ही प्रोसेस में जो अपना ब्रीदिंग का था उन्होंने अपना वो जो इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि वो किल कर गया था, बिकॉज जो आपकी बॉडी को खराब करता है लेटर स्टेज में. तो ये चीजें मतलब मैं जहां खड़ी हूं मैं खुद देख के आई हूं, तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुछ चीजों को आपको ठीक है, क्योंकि ये चीज जो प्लेस है और जो अभी इनका एचपी गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब ये मम्मी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है तो ये साइंटिफिकली भी आपका करेक्ट है
क्योंकि आपके पास रिसर्च के भी रिजल्ट्स हैं और आंखों से तो हमने सामने देखा ही है. तो बस अब इसके आगे कंटिन्यू में हम आपको शॉट्स दिखाते हैं कि वो अपना जिस मेडिटेशन पोज में जैसे घुटने हैं वो फेस के साथ जुड़े हुए हैं उस तरह का वैसा, तो हम खुद देख के आए हैं. तो बस अब आप कभी स्पीति आए तो आप खुद देखिए, क्योंकि ये सब जो है लाइक साइंस के साथ साथ कहीं ना कहीं एक परमात्मा में भी विश्वास, क्योंकि जब आप पहाड़ों में हैं, नेचर में हैं, तो बड़ी सारी चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ाता है. आपको खुद आके यहाँ देखना चाहिए कि थोड़ा सा आधे घंटे का ड्राइव एक एक्स्ट्रा रखिए एंड टू विजिट दी लाइक ग्यू मॉनेस्ट्री. बहुत अच्छी जगह है, मस्ट विजिट. Thank you.